नहीं करना, आपको डाउनलोड स्टेटमेंट में क्लिक करना, जिससे आप फटाक से आपको एक डाउनलोड होगा। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाया था मतलब काफ़ी दिन पहले कॉल हिस्ट्री के बारे में, तो आपने वो वीडियो में बहुत सारा अच्छा सा प्यार दिया, तो उसके लिए शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने लगा किस तरह आप अपने मतलब जो होता है ना जियो, हाँ क्योंकि जियो के यूज़र बहुत है, उनको कॉल हिस्ट्री निकालना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं आज को बताने वाला हूँ कि आप जियो की कॉल हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हो, जन्म कुंडली निकाल सकते हो। जी हाँ, तो सबको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काम करने वाली, बाद में आप कमेंट करोगे सर वीडियो काम नहीं कर रही है, फेक है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बता निकाल के दिखाने वाला हूँ कि कैसे निकालते हैं साले जियो का कॉल हिस्ट्री, ठीक है? तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह जियो का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जियो माई जियो एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप किसी भी मतलब जियो का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो तो आपको ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आसान मेथड है, मतलब आसान तरीका है, बस वीडियो को लाइक करना है, जो काला है इसको नीला करना है। यहाँ पे गाना बजने लगा, उसके लिए सॉरी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्लान एक्सपायर होने वाला है 4 दिन में, तो यार बुरा लगेगा, तो लाइक कर देना यार दिल से। यहाँ पे मैं 3 आइकन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जाना है आपको। देखिए ये है, यहाँ पे सब लिखा रहे, रिचार्ज फ्रेंड प्लान इमरजेंसी डाटा माई यूजेस माई हिस्ट्री, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं माई यूजेस पे, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटा का और कॉलिंग का हिस्ट्री, यहाँ पे मैंने इतने मिनट इससे बात किया। देखिए डू यू यूज़ स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे जो लंबा, जैसे कि आपको जैसे 1 हफ्ते का चाहिए या 10 दिन का चाहिए, तो यहाँ से आप नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है? मैसेज किसको भेजा आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कॉल देख सकते हो कि मैंने इतने मिनट कॉल किया, कितने मिनट बात किया। और लंबा चाहिए जैसे कि मतलब 10 दिन से ऊपर, जैसे कि 1 महीना 6 महीना 8 महीना, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको कब से कौन से डेट के कौन से डेट को मतलब हिस्ट्री चाहिए, जैसे मतलब पिछले महीने का या 2 महीने का 6 महीने का, आपको यहाँ पे डेट डालना है। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो व्यू स्टेटमेंट, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको कौन से तारीख से कौन सी तारीख तक चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए 2 महीने पहले का और आज का तारीख डालता हूँ, आज की तारीख है 7 फरवरी, ठीक है? और ईमेल स्टेटमेंट पर क्लिक नहीं करना, आपको डाउनलोड स्टेटमेंट में क्लिक करना, जिससे आप फटाक से आपको एक डाउनलोड होगा पीडीएफ, आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो मुझे देखना नहीं है, बस इसी तरह करना है आपको। अगर 4-5 दिन का देखना है, 1 हफ्ते का देखना, तो यहाँ से देख सकते हो कॉल हिस्ट्री, और उसका ज़्यादा देखना है तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? डेट डाल के और आज का डेट डाल के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड स्टेटमेंट पर, इसी तरह आप देख सकते हो। तो यार देख सकते हो यार, तो वीडियो को लाइक करना, मैं क्या बोल रहा हूँ जो खुद को नहीं समझ रहा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कॉल हिस्ट्री कैसे निकली जरा बताना हमें कमेंट में, निकली कि नहीं निकली, क्यों बहुत जन बोलते फेक वीडियो, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।